नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेवलपमेंट न्यूज़ के एक और नए ऑफिस एपिसोड में। शुरुआत करते हैं आज के डेवलपमेंट न्यूज़ की सबसे पहली अपडेट के साथ में, जो कि निकल कर आ रही है कानपुर मेट्रो की तरफ से। अब दोस्तों, कानपुर मेट्रो में जो काम है ये एफकॉन को दिया गया है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पहले फेज की, जो कि कानपुर के IIT से लेकर मोती झील के बीच में बनने वाला है। इसकी कुल लंबाई 23.7 किलोमीटर की है। हालांकि अभी जो काम है ये चल रहा है प्रायोरिटी कॉरिडोर के ऊपर, और प्रायोरिटी कॉरिडोर की जो लंबाई है वो 8.7 किलोमीटर के आसपास की है। तो यहाँ पर जो एफकॉन है वो स्टेशंस के साथ साथ में वायडक्ट इन सभी का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो रिसेंटली एफकॉन ने 400 यू गर्डर जो है इसको लॉन्च किया है कानपुर मेट्रो में, और प्रोग्रेस काफी ज्यादा अच्छी चल रही है, काफी ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। इस पर्टिकुलर टेंडर को, यानी कि यहां पर ये जो जितना भी काम है जिस टेंडर के अंदर में आता है, उस टेंडर को अलॉट किया गया था यहां पर 2019 के अंदर, सितंबर 2019 के अंदर इसको अलॉट किया गया था। उसके बाद से ही काफी ज्यादा तेजी से इसका काम किया जा रहा है। अब इसके साथ में यहां पर अगर हम लोग टेंडर की कॉस्ट के बारे में बात करें तो 783 करोड़ रुपीज की कॉस्ट थी यहाँ पर टेंडर की, और उम्मीद तो यही करी जा रही है UPMRC के द्वारा कि नवंबर 2021 तक इसका काम पूरी तरह से कंप्लीट भी कर लिया जाएगा, उसके बाद में ट्रायल्स वगैरह किए जाएंगे। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए। कानपुर के प्रायोरिटी कॉरिडोर जो है इसके अंदर ऑलमोस्ट 8.7 किलोमीटर के अंदर 9 रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्शन किया गया है। दूसरी यहाँ पर जो भी अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से, जिसने कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फरीदाबाद के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ में एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इसको साइन कर लिया है। इसके बाद में फरीदाबाद के अंदर जो ट्रेडिंग वगैरह होती है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। करंटली फरीदाबाद के अंदर काफ़ी सारी ई मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो हैं ये मौजूद हैं, और साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करें तो इस पार्टनरशिप के बाद में जो WTC है वो एक प्लेटफॉर्म देने वाली है HSIIDC को, जिसकी मदद से WTC फरीदाबाद और इन्वेस्टर्स के बीच में एक सिंगल वीडियो क्लियरिंग सिस्टम बनेगा। इसकी मदद से एप्लीकेशन, सेंशंस, इंसेंटिव और परमिशन जैसी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से की जा सकेंगी। दूसरे यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है IKEA की तरफ से, जो कि एक स्वीडिश फर्नीचर जायंट कंपनी है। इसके कुछ स्टोर्स आप लोगों ने देखे होंगे बेंगलोर के अंदर, मुंबई के अंदर, पुणे के अंदर, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इनके ह्यूज स्टोर्स होते हैं। और कुछ यही इनकी USP भी है कि इनके स्टोर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है इनके पास में। अब ये लोग जो है ये इंडिया के अंदर रीन्यूएबल एनर्जी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने ये प्लान लिया है कि 2025 तक इंडिया के अंदर इनके जितने भी स्टोर हैं, वेयर हाउसेस हैं, और बड़े बड़े यहाँ पर जो इनके मॉल्स वगैरह बनते हैं, इन सभी में जितनी भी एनर्जी सप्लाई करी जाएगी वो रीन्यूएबल एनर्जी रहेगी। और अगर हम लोग ग्लोबली भी बात करें तो ग्लोबली IKEA के जितने भी स्टोर्स हैं यहाँ पर रीन्यूएबल एनर्जी पहुँचाने के लिए ऑलमोस्ट 4 बिलियन यूरोज जो हैं इनका इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें IKEA की जो पेरेंट कंपनी है IGGA ग्रुप करके कुछ नाम है उसका, तो ये लोगों के पास में करंटली 1.7 GW की इंस्टॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी जो है ये करंटली प्रेजेंट है। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप और ये पर्टिकुलर कंपनी IKEA जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली रीन्यूएबल एनर्जी को लेकर। दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है फ्लिपकार्ट के हाइपर लोकल प्लेटफॉर्म यानी कि फ्लिपकार्ट क्विक की तरफ से। अभी तक ये प्लेटफॉर्म सिर्फ बैंगलोर के अंदर मौजूद था और इसको 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी ये 6 एडिशनल सिटीज़ के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। और ये जो 6 नए एडिशनल सिटीज़ हैं ये हैं दिल्ली, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, नोएडा, हैदराबाद और पुणे। इन 6 सिटीज़ के अंदर अब आप लोगों को हाइपर लोकल सर्विसेज फ्लिपकार्ट की तरफ से देखने के लिए मिलेगी। अब फ्लिपकार्ट क्विक की सर्विसेज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ग्रोसरीज हो गई, और साथ ही साथ में ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के आइटम्स रहते हैं ये सभी अब आप लोगों को विद इन 1 डे मिल जाएंगे। ऐसी यहाँ पर जो इनकी सर्विसेज रहती हैं पूरी तरह से प्लान करी जाती हैं, जिस तरह से आप लोगों ने बिग बास्केट में देखा होगा कि एक डिलीवरी स्लॉट वगैरह जो है ये सिलेक्ट करना पड़ता है, तो उस डिलीवरी स्लॉट में आप लोगों को आपकी जो ग्रोसरीज रहती हैं, वेजिटेबल्स वगैरह रहते हैं, इन सबकी डिलीवरी मिल जाती है। तो ऐसा ही कुछ प्लेटफॉर्म अब आप लोगों को फ्लिपकार्ट की तरफ से देखने के लिए मिलेगा। बस बात यहाँ पर यह है कि फ्लिपकार्ट यहाँ पर एंटर कर रहा है इस पर्टिकुलर मार्केट में, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हो जाएगा। और आने वाले टाइम में 2021 के अंदर जो फेज्ड मैनर है इसमें काफ़ी सारी नई नई सिटीज़ के अंदर ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो है इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। दूसरे यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है इंडियन कंपनी KEC इंटरनेशनल की तरफ से, जिसको कि 1245 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं अक्रॉस वर्ल्ड। तो अब हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं कि कौन कौन सी फील्ड में, कौन कौन से सेक्टर्स में, कौन कौन से ऑर्डर्स मिले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कंपनी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के बारे में, तो इस पर्टिकुलर बिजनेस को 629 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, और ये ऑर्डर इसको इंडिया, SAARC, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अमेरिका से मिले हैं। रेलवे बिजनेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो
तो इस पर्टिकुलर बिजनेस में इसको 446 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, जिसमें ये लोग OHE वायर्स वगैरह जो रहते हैं और ट्रैक वगैरह डालने का काम जो रहता है ये कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। साथ ही साथ में सिविल बिजनेस में 107 करोड़ रुपए के और साथ ही साथ में केबल बिजनेस जो है इसमें 63 करोड़ रुपीज़ के ऑर्डर्स इस पर्टिकुलर कंपनी ने रिसीव किए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है ड्रिल की तरफ से, जो कि आने वाले टाइम में उड़ीसा और साथ ही साथ में राजस्थान के अंदर नए केबल रोपवे जो है इनका डेवलपमेंट करने वाली है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग डिटेल में बात करें कि कहाँ कहाँ पर ये केबल रोपवे बनने वाले हैं, तो उड़ीसा के अंदर नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क जो है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है, इसके अंदर इस पर्टिकुलर रोपवे का डेवलपमेंट किया जाने वाला है। साथ ही साथ में उदयपुर में हमारा जो फतेह सागर लेक है वहाँ से लेकर नीमच माता का जो टेम्पल है हिल टॉप के ऊपर वहाँ तक इस रोपवे का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है। तो इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स की जो टोटल लागत है ये अराउंड 50 करोड़ रुपए की है और एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2022 के एंड तक इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स का काम जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अगर आप लोग उड़ीसा से या फिर उदयपुर से इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं तो मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि इन पर्टिकुलर रोपवेज के आ जाने के बाद में क्या कुछ फ़ायदे होंगे और क्या इन रोपवेज की मदद से टूरिज्म में बूस्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अगली और आज के डेवलपमेंट न्यूज़ की जो फाइनल अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, जिसने कि नए ब्रिजेस और नए रोड्स बनाने के लिए 1150 करोड़ रुपए के नए टेंडर्स जो है इनको फ्लोट किया है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट है ये 3285 किलोमीटर की जो रोड्स हैं इनको 2600 करोड़ रुपए के टोटल एस्टिमेट के साथ में मॉडर्नाइज करने वाली हैं और ये जितना भी पैसा है ये PMGSY योजना के अंतर्गत दिया गया है और साथ ही साथ में 2300 रोड्स के लिए यहाँ पर टेंडर्स जो हैं ये फाइनलाइज किए गए हैं और बाकी बची हुई रोड्स के लिए यहाँ पर जो टेंडर्स हैं फाइनलाइज किए जाने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है अभी आंध्र प्रदेश के अंदर और काफ़ी सारी रोड्स जो हैं ये रीन्यू होती हुई दिखने वाली हैं आप लोगों को। स्पेसिफिकली अगर आप लोग आंध्र प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप लोग हाईवेज वगैरह पे या फिर नॉर्मली रोड्स वगैरह पे ट्रैवल करते हैं वहाँ पे करते ही होंगे अगर आंध्र प्रदेश से देख रहे हैं तो मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि वहाँ की रोड्स की जो हालत है वो किस तरीके की है और वहाँ पर ये रीन्यू करने की और अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर नहीं पड़ रही है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे जाकर भी हमारे देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। I'm not afraid to die.